हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। इसको देखिए कैसा लग रहा है, प्यारा सा। आज इनके स्कूल में जो है वो बाउंसी कास्टल है। तो नो गिव मी। तो घर के पेंट के जाने में कितना बाबा लग रहा है। अलीशा ने भी पहन लिए हैं। अभी अलीशा भी दिखाती हूँ आपको। ओ और ये पहन लिया है अलीशा ने, जीन्स विथ शर्ट और लिप ग्लॉस भी। सुबह सुबह मेरा जो है ना लिप बाम लगा के बैठ गई है, पूरा मुंह पिंक। एक हफ्ता से नहीं लगाया मैंने। झूठी, कल भी लगाया था। एक हफ्ता से नहीं लगाया। और मेरे लिप बाम आज क्या है? बाउंसी कास्टल। हां खुल गए तो नहीं। अब इनको छोड़ के आते हैं स्कूल। फैशनेबल जो है ना, फैशन करने में पूरी है तैयारी लग रही है। हाय गाइस, तो इस लड़के को मैंने ले लिया है। आज इसकी पार्टी थी तो मैंने इसको स्कूल से ले लिया है। और अब हम लोग आ गए हैं कुछ पैसे निकालने थे हस्बैंड को कैश मशीन से, तो वहाँ से वो निकाल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बालाज का हेयर कट करवाने। और आज जो बालाज का हेयर कट होने वाला है ना, वो फर्स्ट हेयर कट होने वाला है सैलून में आफ्टर 4 ईयर्स। जब वो पैदा हुआ था तभी एक अंकल ने आके उसका जो है ना उसको गंजा किया था। बस वही उसका बाहर से हेयर कट हुआ, वो भी घर पे आके किया था। फर्स्ट टाइम बाला जो है वो सैलून में जाके उसका हेयर कट होने वाला है, क्योंकि ज़रा उसकी बर्थडे भी आने वाली है और उसको थोड़ा चेंज भी देना था। तो मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा हम, वैसे तो हस्बैंड ही काटते रहते हैं, इस दफ़ा हम सोचा कि अब हम कराएंगे नाई से बालों से। मैंने ना इसके गाड़ी में ही कपड़े चेंज करवा दिए, क्योंकि वो सारे बालों से गंदे हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने गाड़ी में चेंज करवा दी। हाय गाइस, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं सबवे वाले कुकीज़। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना रूम टेम्परेचर पे जो बटर था ना वो ले लिया है। 3 टेबलस्पून जितना मैंने बटर लिया है। मैंने पहले फ्रिज से निकाल के बटर को बाहर रख दिया था, जब वो रूम टेम्परेचर पे हो गया तब हमने बनाना शुरू किया। और साथ ही मैंने एक एग भी जो है ना रख दिया था, क्योंकि हमें एक एग की भी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हमने बटर डाल दिया है। और अब बटर में जो है हम जो है वो शुगर डालेंगे। और शुगर जो है ना, वैसे तो इस रेसिपी की हर चीज़ जो है वो मेजरमेंट से थी, लेकिन जो है वो मेरे पास मेजरमेंट कप्स नहीं हैं, तो मैं अपने हिसाब से ही डालती हूँ हमेशा चीज़ें ना, तो वो सही बन जाती है। लेकिन अगर आपको मेजरिंग कप से डालने का जो है ना आइडिया है, तो मैंने जिनकी ये वीडियो देखी है ना, वो मैं जो है ना लिंक कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या अगर मैंने लिंक नहीं भी की, तो आप जो एक चैनल है रूबी का किचन, उनकी ये वीडियो है, तो आप जाके वहाँ आराम से देख सकते हैं। वैसे तो मैं डाल ही दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बटर ले लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दी शुगर। अब इसको हमने इतनी अच्छी तरीके से विस्क करना है कि ये शुगर और बटर जो है वो एक साथ मिक्स हो जाए, मतलब सिर्फ मिक्स हो जाए, इतना करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने वो नहीं करना है। और साथ ही हमने जो है ना इसके अंदर डालनी है ब्राउन शुगर, तो वो भी आपको पता चलेगा आगे। और अभी मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि मैंने ये कुकीज़ जब हम लोग बना रहे थे तब अलीशा और मैंने दोनों मिल के ये कुकीज़ बनाए। लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं इस पर वॉइस ओवर करूँगी तब मैं अलीशा के साथ ही करूँगी, लेकिन जो है वो अभी जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो घर पे नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं जो है खुद ही अकेले जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये ब्राउन शुगर भी डाल दी है। तो ब्राउन शुगर का यहाँ पर ये काम करेगा कि जो कुकीज़ को है वो सॉफ्ट बनाएगा। अगर आपने सबवे के कुकीज़ खाए हैं तो आपको पता होगा कि सबवे के कुकीज़ जो है वो कॉर्नर से जो है वो हार्ड होते हैं और क्रंची होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं बीच में से, ठीक है।
तो जो वाइट शुगर है वो कुकीज़ को जो है वो क्रिस्पी बनाएगी, और जो ब्राउन शुगर है वो कुकीज़ को सॉफ्ट बनाएगी। तो ये उन्होंने वीडियो में बताया था, तो मैं भी यहाँ पे वीडियो में बता रही हूँ। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और साथ में हमारी बातें चलती जा रही थी, अलीशा और मेरी, पीछे से हस्बैंड से बातें हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो में शोर था ना, तो इस वजह से मैंने वीडियो को किया म्यूट, एंड उस पर मैंने सोचा कि अब हम करेंगे वॉइस ओवर। तो फिर जब ज़्यादा ही शोर हो रहा होता है ना, तो फिर मैं वीडियो में बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ना मेरी बात समझ आएगी ना ही कुछ समझ आएगा, तो फिर मैं उसको जो है ना म्यूट कर देती हूँ एंड उस पर वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ठीक है। ओके जी, तो अब हमने जो एग निकाल के रखा था ना बाहर रूम टेम्परेचर के लिए, तो वो एग हम इसके अंदर जो है ना डाल देंगे, और फिर एग के साथ हम उसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। जी, तो अब हम लोग आ गए हैं मैदे वाले स्टेप पे। तो अब हमने जो है ना मैदा डालना है, तो हमें यहाँ पे 1 कप जो है ना मैदा लेना था। तो मेरी जो ये आपको छोटी सी बाउल दिख रही है वाइट, ये मैंने भर के एक मैदा का लिया था। और आपको मैं बताऊँ कि मैंने जो बेकिंग की चीज़ में अभी तक जो मेन चीज़ सीखी है ना, कि आपको जब भी मैदा यूज़ करना है तो आपको मैदा छान के यूज़ करना है। उससे अच्छा ये होगा कि किसी भी चीज़ में, केक वगैरह में, गुठली नहीं बनेगी। अब हमने मैदा डाल दिया, साथ में हमने थोड़ा सा जो है ना पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, और साथ ही हमने पिंच ऑफ जो है वो बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। ये दो चीज़ें ऐड करनी है साथ में, और शुगर हमने पहले ही डाल दी थी, ये हो गया। और साथ में हाँ, थोड़ा सा हमने जो है ना 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर भी डालना है, ठीक है ना। ये सब मैंने डाल दिया, वीडियो स्पीड में थी इस वजह से आपको सही से दिख नहीं पाया, वाइट वाइट ही दिख रहा होगा क्योंकि ये चारों चीज़ें वाइट वाइट ही होती हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डालना है। और अब यहाँ पे हमने सोचा कि पहले हम इसको सेट करने रख देते हैं, फिर हमने सोचा कि नहीं, हम पहले इसके बॉल्स बना लेते हैं, देन इसको हम सेट करने के लिए रखते हैं। तो थोड़ा सा चिप 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 हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हल्का सा मैंने अपने हाथों पे जो है ना ऑयल लगाया था, लेकिन फिर भी चिप चिप, क्योंकि ज़्यादा चिप चिप तो है ही। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा बैटर अलीशा के हाथ पे रख रही थी, थोड़ा सा अपने हाथ में, और हम उसको बॉल बना रहे थे। इस कुकी के हर स्टेप में जो है ना अलीशा ने वही सब कुछ किया है जो मैंने किया है। मतलब हमने उसको पहले मिक्स किया, वो अलीशा ने किया, फिर हमने उसको मिक्स किया, बैटर डाला और सब कुछ डाला, वो सब अलीशा ने किया। और हाँ, सबसे मेन स्टेप तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जो हमने मैदा कॉर्नफ्लोर ये सब डाला, उसके बाद हमने इसके मेन चॉकलेट चिप्स भी जो है ना इसके अंदर डाले, आपको दिख ही रहे होंगे, तो वो मैं बताना भूल गई, तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देते हैं। और एक टिप मैंने आपको बता दी कि जो है वो मैदा जब भी आपको बेकिंग में यूज़ करना है तो आप उसको छान के यूज़ करें। वैसे कोई इतनी प्रोफेशनल टिप मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी बता देती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगी। तो अब ये देखें, ये लड़की कितने फोकस से, कितने मज़े से जो है ना यहाँ पे बनाई जा रही है, ये देखें ज़रा इसको बड़ा मज़ा आता है इसको हर चीज़ में इन्वॉल्व होना। और जो है ना इस एज में यही मज़ा आता है, जब हम भी छोटे थे ना, मम्मी हम बर्तन धोएंगे, मम्मी हम झाड़ू लगाएंगे, लेकिन जब बड़े हो जाते ना फिर इन सब चीज़ों का दिल नहीं करता। और ये देखें हमारे कुकीज़ तैयार हो गए हैं, मतलब, और सच बताऊँ ये कुकीज़ इतने टेस्टी बने थे कि जितना बैटर आपको मैंने दिखाया ना, इस पूरे बैटर में 19 कुकीज़ का जो है ना बैटर बना है। तो अभी आप देखेंगे कि आगे मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो है ना मैं आपको बताऊँ, ये बहुत टेस्टी कुकीज़ बने थे। और इस 19 कुकीज़ में से 5 कुकीज़ का जो बैटर बॉल्स बने हुए हैं ना, ये मैंने फ्रीज़ कर दिया, आपको पता फ्रीज़, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि आपका जब दिल करे आपने इसको निकाला, थोड़ी देर बाहर रखा, जैसे ये डिफ्रोस्ट हुए आपने इसको इसी तरीके से जो है ना पैन पर डालना है, और 10 मिनट्स में आपके कुकीज़ तैयार हो जाएंगे। स्लो फ्लेम पर आपको रखना है और आपके कुकीज़ तैयार हैं। इतने अच्छे नीचे से क्रिस्पी हो जाते हैं, ऊपर से गुई गुई होते हैं, बहुत टेस्टी जो है ना बने थे। उफ, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और अब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। ओके जी, तो हमारा कुकी का फर्स्ट बैच तैयार हो गया है, और रात में मैंने से नहीं बनाए थे क्योंकि वो सेट नहीं हुए थे, तो मैंने अब सुबह में स्कूल के टाइम पर उठी हूँ ना बच्चों के, तो मैंने बनाए हैं और हमारा फर्स्ट बैच तैयार हो गया, लेकिन हमारे कुकीज़ बर्न हो गए नीचे से यार।
मैंने उतना ही टाइम रखा जितना वीडियो में लेडी ने कहा था रखने को 15 मिनट्स, तो मैंने उतना ही रखा, लेकिन ये नीचे से जो है ना बर्न हो गए। तो अब मैंने सोचा है कि मैं एक और वेज बनाती हूँ, उसको मैं सिर्फ 10 मिनट्स रखूँगी और जो है ना फिर हम देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन ब्राउन था तो मैंने खाया, लेकिन टेस्ट तो बड़ा मज़े का, तो वो क्रंची भी है, तो भी दूसरा वेज बनाते हैं। आए हैं इस फ्राइंग पैन पे और दोबारा इसी पे बनाऊंगी जी। तो अलीशा ट्राई करने लगी है सॉफ्ट कुकीज, कैसे? आप बताओ। You guess. अच्छे थोड़े kind से अच्छे अच्छे नहीं लगे हा? ये वो लेकिन ये ना थोड़े से ज्यादा क्रंची नहीं हो पाए, तो उसको बंद करने के बाद ही मैंने काफी रखा है। इधर ये पकड़ो ऐसे फोन को, तो मैं ऐसे हाँ बस ऐसे ही पकड़ना, तो मैं इधर दिखाऊंगा इसको। आप टेस्ट करो, ये कुछ ज्यादा पतले और ये नीचे से अभी ऐसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ो फोन को। आप टेस्ट करो, अभी देखिए ऐसे लाइट ब्राउन से दिख रहे हैं। अब मैं टेस्ट करती हूँ। टेस्टी हैं पर बहुत ही सॉफ्ट हैं। बंद कर दो। दोबारा खा रही हूँ तो मतलब अच्छे हैं, अच्छे हैं पर सॉफ्ट हैं। पीछे देखो कितना मैस आ रहा है, इधर आओ। अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, मुझे तो टेस्टी लगे। बाकी के दो रखे हैं, देखती हूँ क्या पता थोड़ी देर बाद थोड़े ज़्यादा वो हार्ड हो जाएं, तो अब चलते हैं बच्चों को स्कूल लेके। ओके गाइस, तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया, अब मैं जा रही हूँ घर। और सुबह सुबह शायद बारिश हुई थी तो रोड गीले गीले हो रहे हैं और अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। तो अब घर चलते हैं एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी, तो ये देखें अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो उसके बाद मैंने अब देखा है कि ये थोड़ा सा जो है हार्ड हो चुका है। और जब मैंने इसको बनाया था, मैंने ऐसे ही पकड़ा था ना, तो ये ऐसे टूट के जो है ना नीचे गिर रहा था, क्योंकि ज़्यादा गुस्सों का बेक ही हुए थे। तो अब जब मैं आई हूँ ना, तो ये थोड़े से, वैसे तो ये सॉफ्ट वाली कुकी हैं, जैसे वो होते हैं ना सबवे के कुकी वैसे ही हैं, लेकिन ये है कि अब थोड़े से ये देखें, ओ माय गॉड, ये इतने टेस्टी बने हैं, ये इतने टेस्टी बने हैं। और अलीशा ने कहा कि मुंह बिगाड़ा है उसने, लेकिन दो तीन दफ़ा उसने मेरे हाथ से ले लेके खाया है, अब पता नहीं दोबारा खाती है नहीं, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगे हैं और बहुत यमी बने। और इसके पीछे का आपको मैंने दिखाया कि ये बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ है, ये देखें, तो बहुत टेस्टी बने ये। और अब मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको खाती हूँ। और इतने सॉफ्ट, इतने बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर है जैसे वो होता है ना सबवे का, सेम वैसा ही है। तो मैं इसको खाती हूँ। ओहो, चॉकलेटी बहुत यमी। और मैंने अपना कैमरा बॉटल के ऊपर सेट किया है, ट्राईपॉड जो है वो पर्स में रखा हुआ है, तो मैं लाने की जगह मैं जल्दी जल्दी मैंने इसी के ऊपर रख दिया। तो मैं इसको खाती हूँ एंड देन फिर आपसे मिलती हूँ जब बालाज को लेके आती हूँ, क्योंकि अभी रख करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। बहुत यमी। ओके जी, तो मैं बालाज को लेने आ गई हूँ। बिस्किट रोन, अब क्यों खा रही हो कुकी? बर्नट वाली नहीं, बर्न नहीं, सुबह तो अच्छा नहीं लगा था आपको, वो थोड़ी देर के लिए रखना होता है, फिर अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। चॉकलेट चॉकलेट दिखाओ,
हाय गाइस, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो मैंने अलीशा से कहा कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो और ये थोड़ी जगह साफ़ कर दो। फ़ौरन से मेरी बच्ची तैयार हो गई, इतनी हेल्प करती है ना मेरी। कल हमने कुकीज़ बनाए थे तो उसमें अलीशा ने मेरी इतनी हेल्प की है। अभी जो है ना, मैंने कहा कि थोड़ी सी ये कर दो, तो देखें चीज़ें समेटना शुरू हो गई। हाँ, इसके अंदर ब्लैंकेट है। ननिन क्या खा रहे हैं? ये जो तुमने कुकी बनाया है। कैसे हैं? कच्चा कच्चा धनिया, तभी तीन तीन खा गए आप हैं। कच्चा होता तो आप नहीं खाते। मुझे खाना था। ओके गाइस, तो आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। और दूसरा ये है कि आपने देखा कि अलीशा ने भी नखरे किए कुकीज़ खाने में, बारह ने तो खाए ही नहीं, सही बताऊँ मैं, बिल्कुल नहीं खाया उसने। और हस्बैंड ने भी नखरे किए, लेकिन दोनों ने तीन तीन चार चार बिस्किट आराम से जो है ना अपने पेट में डाल लिए, लेकिन नखरे पूरे पूरे किए उन्होंने। तो अब मैं चलती हूँ, और ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।